देंगे तो गुंडा वाला भाषा है, खत्म कर देंगे। ये तो भाषा देख, अरे किसकी क्या औकात है, किसको क्या खत्म करेगा भाई। स्टेट है तब ना सेंटर है, राज्य है तब ना केंद्र है, और रीजन्स पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा के बयान को जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्रीय दल के बारे में कहा, उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दल जो है वो पारिवारिक दल है और क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। इसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो एक गुंडे की भाषा है, कोई गुंडा ही इस तरीके से कह सकता है कि ख़त्म कर देंगे। कौन किसको ख़त्म कर सकता है? कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता है, और केंद्र सरकार से ज़्यादा जो है वो राज्य सरकार जानती है अपने राज्य के बारे में, तो कौन ख़त्म करेगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किस तरीके से जेपी नड्डा के बयान को कहा है ये गुंडे की भाषा है। जनगणना होगी अगर वहाँ सरकार बनती है। देखिए, बिहार जो है हमेशा देश को राह दिखाता है, और बिहार की धरती ने एक बार फिर इतिहास बनाने का काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो कराया, अब तक 31 के बाद जो है किसी राज्य के पास उनकी आबादी का सही आंकड़ा, साइंटिफिक डेटा नहीं था। अब पहला राज्य बिहार बना है जो जानता है उसकी आबादी की स्थिति क्या है, साइंटिफिक डेटा। तो इस चीज़ की तो मांग पूरे देश में हो ही रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि और राज्य भी इसमें जो है इस काम को करने जा रहे हैं। हालांकि ये काम तो मोदी जी को कराना चाहिए था, भारत सरकार को कराना चाहिए था, क्योंकि सेंसस का अधिकार उनको है, लेकिन हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो सेंसस का जो अधिकार उनको मिला है, तो उसमें एक ही कॉलम तो जोड़ना था उनको, कास्ट का कॉलम, लेकिन वो कॉलम तो छोड़िए, सेंसस 21 में होना था, अब 23 जो है वो ख़त्म होने वाला, लेकिन अब तक कब होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। तो जो लोग भी इसको लेकर के, कुछ लोगों का हम सुन रहे थे कि बड़ा भारी आपत्ति है, बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, अरे भाई अगर इतना ही आपत्ति अगर बिहार सरकार के आंकड़े से, तो बोल दीजिए मोदी जी को, मोदी जी भारत सरकार करा दे, पता चल जाएगा। और मान लीजिए अगर लोग कह रहे हैं कि यादवों का बढ़ा दिया गया, तो भाई 31 में जो हुआ था आखिरी, तो उसमें यादवों की क्या आबादी थी, 11% आबादी थी, और बिहार उड़ीसा ये झारखंड जो है एक राज्य था, और सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की इन सभी राज्यों में से बिहार में, तो स्वाभाविक रूप से बढ़ा। अगर हमको घटाना बढ़ाना है, अगर किए होते तो मुख्यमंत्री जी अपने जात का नहीं बढ़ा लिए होते। तो ये बेकार की जो बातें जो कुछ लोग कहते हैं, ये बकवास करते हैं केवल, और क्योंकि यही लोग जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, यही जो है कितना भारी मुसीबत पैदा किया इन लोगों ने। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो, वोट्स के जरिए हो, या हर तरीके से डीले जो हुआ उसी का नतीजा है जो ये लोग भाषण दे रहे हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई कोई घटाया बढ़ाया नहीं गया है, जो रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया है, साइंटिफिक डेटा बिहार के पास आया है, उस हिसाब से आगे योजनाएं जो है हम लोग जो है बनाएंगे। नड्डा जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे, पिछले बार भी बोले थे इसका गठबंधन टूट गया था, क्या वजह है, क्या करना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे? अरे खत्म कर देंगे तो गुंडा वाला भाषा है, खत्म कर देंगे, ये तो भाषा देख, अरे किसकी क्या औकात है, किसको क्या खत्म करेगा भाई। स्टेट है तब ना सेंटर है, राज्य है तब ना केंद्र है, और रीजनल्स पार्टी अपने रीजन की बात, अपने स्टेट की बात प्रमुखता से उठाती है। जितना रीजनल पार्टी को पता है बिहार के बारे में हम लोगों को, उतना क्या नड्डा जी या मोदी जी को पता होगा? तो ये सब बकवास करने वाला बात है।